Hello and good morning everyone, welcome to VV study. So now we'll begin with our unit 2 of accounting with managers. Okay, so हम लोग का unit 2 में हम लोग cover करने वाले हैं दो topics mainly. First is final account, second is depreciation. तो we'll start with final accounts. Final accounts में हम लोग तीन तरीके के स्टेटमेंट बनाते हैं. सबसे पहले समझें कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है. फाइनल अकाउंट्स का मतलब जब कोई भी बिजनेस अपने अकाउंटिंग ईयर को ओवर कर लेता है तो उसके बाद उसको बनाने होते हैं स्टेटमेंट्स, जिससे उसको पता चले कि उसने साल भर में प्रॉफिट हुआ उसको कि लॉस हुआ उसको. तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बनाते हैं तीन स्टेटमेंट्स. कौन कौन से स्टेटमेंट? सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड होती है हमारी बैलेंस शीट. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि कौन से ट्रांजैक्शंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं और कौन से बैलेंस शीट में जाते हैं. सबसे पहले जब कोई भी बिजनेस हो रहा होता है तो वो फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना. तो फैक्ट्री से, फैक्ट्री पर जो है हम लोग की लोडिंग ऑटोज होते हैं, बसेज होती हैं, ट्रक्स वगैरह होते हैं, इन सब में रॉ मटेरियल भरकर आता है. तो रॉ मटेरियल जब मेरा फैक्ट्री में पहुंचता है तो उसमें मेरे को कुछ खर्चे लगते हैं. फॉर एग्जांपल कैरिएज. कैरिएज का मतलब क्या होता है? जो मजदूर सामान उठाकर मेरे अंदर फैक्ट्री तक लेकर जाता है उसको हम लोग कैरिएज बोलते हैं. वेजेस किसको देते हैं? हम उन लोगों को देते हैं जो कन्वर्ट करते हैं गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में. ओपनिंग स्टॉक कहाँ रहता है? मेरा फैक्ट्री में. तो इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं वो सारी हमारी जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. समझिए, मेरा शूज़ मैन्युफैक्चर करने का बिज़नेस है तो उसके लिए जो मेरे पास लेदर आएगा, जो मेरे पास पॉलिश आएगी है ना, या जो मेरे पास कार्टन्स आएंगे, जो मेरे पास उसके सांचे वगैरह आएंगे शूज़ बनाने के लिए, सोल आएगा, ये सारी चीज़ें जो है मेरे रॉ मटेरियल हो जाएगा जिसको मैं ओपनिंग स्टॉक बोलूँगी, जिससे मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो वो कहाँ पर रखूँगी मैं उस ओपनिंग स्टॉक को? फैक्ट्री के अंदर ही रखूँगी. तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में. नेक्स्ट, अब मैंने कुछ और साल भर में नई नई चीज़ें परचेज करी है ना. परचेजेस तो साल भर में चलती रहती, तो परचेजेस मेरा किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री का ही पार्ट होता है, तो फैक्ट्री के उसमें ही जाएगा वो भी. नेक्स्ट है सेल्स. सेल्स मैं कहाँ से करूँगी? फैक्ट्री से ही तो सामान जाएगा बाहर, तो वो भी मेरा फैक्ट्री का पार्ट हो गया. कैरिएज मैंने आपको अभी बताया, और फ्यूल एंड पावर, जो अपन मशीन्स रन करते हैं बिजनेस में तो वो कुछ फ्यूल और पावर उसमें लगता है, तो उसको भी हम लोग फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में ही कैटेगराइज करेंगे. तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइटनिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, और पैकेजिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अलग से हो सकते हैं, कुछ एक हेड ये भी हो सकता है. तो इसी टाइप से कुछ चीज़ें जो मेरी फैक्ट्री से रिलेटेड हैं वो मेरी कहाँ जाएंगी? सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी. ओके, अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की. क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है, हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया होता है. ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग ये तीनों चीज़ें बनाते हैं. ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में जो है ट्रायल बैलेंस दिया गया है. रियल अकाउंट्स में भी हम लोग जब देखें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस तक का सब कुछ कवर कर लिया था. तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग कर बनाते हैं ये तीन अकाउंट्स. तो ट्रायल बैलेंस आप लोगों को, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दोगे उसमें क्वेश्चन आपको जो है ऐसे आएंगे, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा और ट्रायल बैलेंस के एंड में एक लाइन लिखी होगी क्लोजिंग स्टॉक की. वो नीचे क्यों लिखी रहती है? क्योंकि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर नहीं बनाते हैं, है ना. क्लोजिंग स्टॉक की शुरुआत से कोई अकाउंटिंग नहीं करते हैं, वो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को साल के एंड में ही मेजर करते हैं. इस वजह से वो एडजस्टेड नहीं होता है. उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग उसके दो इफेक्ट शो करते हैं, एक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, एक हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं. बस इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग या फैक्ट्री का पार्ट है, और इसका कोई रीज़न नहीं है. अगर कोई कोई बिजनेस अपना स्टार्टिंग से क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट मेंटेन करता है उसका केवल एक इफेक्ट होता है, वो जाता है मेरा बैलेंस शीट में. क्लियर है? तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसको आप दो जगह लिखेंगे, एक आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और एक आप लिखेंगे बैलेंस शीट में, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो आई गेस ट्रेडिंग अकाउंट आप सबको क्लियर होगा. जो भी चीज़ें फैक्ट्री अकाउंट से हमारी फैक्ट्री के थ्रू आना जाना करती हैं वो सारी चीज़ें मेरी आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. अब सामान जो है मैन्युफैक्चर हो गया, सेल हो गया, सेल होने के बाद उसका जितना भी पेपर वर्क रहता है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, डिस्काउंट, कमीशंस, ये सारी चीज़ें मेरे होते हैं ऑफिस में काम होते हैं ये वाले. तो मैं एक बार फैक्ट्री से चीज़ें हो गई उसके बाद मैं पहुँचती हूँ ऑफिस, तो ऑफिस में जो मेरे एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे करी मैंने किसको? ऑफिस स्टाफ को. यहाँ पर वेजेस थी, वेजेस में किसको पे करती हूँ? सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर को. जो स्किल्ड मेरे पास लोग रहते हैं उनको मैं क्या पे करती हूँ? सैलरी. तो अगर सैलरी आपको गिवन हो एक हेड तो वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेजेस दिया हो एक हेड तो वो मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में.
और कभी कभी आपको साथ में दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिए वेजेस एंड सैलरीज, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ जाएगा? तो जो इनिशियल रहता है, जो पहला रहता है, आप उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको दिया है वेजेस एंड सैलरीज तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अगर आपको दिए सैलरी एंड वेजेस तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, ये कई बार ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, डिस्काउंट हो गया, टेलीफोन बिल, ये सारी चीज़ें मेरी ऑफिस रिलेटेड हैं। आफ्टर सेल जो भी हो रहा है, मैंने गुड्स एक बार बेच दिए, मेरे फैक्ट्री से गुड्स जो है वो चले गए बाहर, बाहर जाने के बाद मेरा जितना भी खर्चा और इनकम होती है सेल्स के अलावा, वो मेरा सारा आता है ऑफिस की कैटेगरी में, और ऑफिस रिलेटेड सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा है बैलेंस शीट। तो अब सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स तो यहाँ आ गई, बची कौन सी चीज़ हमारी? एसेट और लाइबिलिटीज। तो वो हम लोग एक स्टेट, एक अलग से बैलेंस शीट बनती है उसकी, ठीक है? तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जो मेरा एसेट और लाइबिलिटीज का कैटेगराइजेशन दिखाता है। तो वो सारे एसेट और लाइबिलिटीज मेरे जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो आई गेस आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाती हैं। अब हम लोग आगे दूसरा सीखने वाले हैं कि इनके कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये कैसे डिसाइड करना है। अब उसको हम लोग को प्रेजेंट कैसे करना है, हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, ये फॉर्मेट बना हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि कॉमन फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ बना हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। हम लोग उसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये अपन का होता है क्रेडिट साइड, ये अपन का होता है डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम लोग जो है, ये अपन का ऊपर वाला जो पार्ट है, देखो, एक इमेजिनरी लाइन आपको बनानी है, मतलब ये आपको एग्जाम में बनानी नहीं है, बट एक माइंड में क्रिएट करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। मोस्टली आप लोगों को जो है ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन थोड़ा सा छोटा रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। जैसे जैसे हम लोग के एक्सपेंसेस आते जाएंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। यहाँ पर हम लोग सारे लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आप लोगों को अभी अभी सिखाया था क्या क्या होते हैं, कैरिएज होता है, वेजेस होते हैं, फैक्ट्री लाइटनिंग एक्सपेंसेस हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया, कैरिएज हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग, परचेजेस, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे इस साइड पर, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे हम सारे लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स जितने भी होते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, ओके। और एक आता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ओके। अब क्रेडिट साइड आ जाओ, क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट इनकम जितनी भी होती है, डायरेक्ट इनकम हमारी एक ही होती है, वो होता है सेल्स, ठीक है। तो सेल्स के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और एक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ओके। तो ये दोनों चीज़ें सब कुछ लिखने के बाद, कैटेगराइजेशन करने के बाद, आप लोग इन दोनों साइड का बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले डेबिट साइड का टोटल करना है और उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करना है, देखना है कौन सा टोटल बड़ा आ रहा है। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैंने यहाँ का टोटल करा, यहाँ पर आया 100 रुपीज़, और मैंने यहाँ इस साइड का टोटल करा, यहाँ का आया मेरा 80 रुपीज़। तो ज़्यादा कहाँ पर है, क्रेडिट साइड मेरा बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, मतलब क्रेडिट साइड कौन सा है, मेरा इनकम साइड है वो। तो अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या होता है, ये मेरा प्रॉफिट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को मैं सिर्फ प्रॉफिट ना बोलते हुए क्या बोलती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्यों लिखूंगी मैं, क्योंकि कमी इस साइड आ रही है ना, देखो यहाँ पर 100 रुपीज़ टोटल है, यहाँ पर 80 रुपीज़ टोटल है, तो कमी यहाँ पर 20 रुपीज़ की आ रही है, तो वो 20 रुपीज़ मैं यहाँ पर बैलेंस करने के हिसाब से 20 रुपीज़ लिखूंगी ग्रॉस प्रॉफिट करके, ठीक है। ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि मैंने आधा हिस्सा बांटा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो मेरे को उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर इस साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपोजिट साइड पे उतरता है ब्रॉड डाउन करके। अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस आया, लॉस कब आएगा, जब मेरा डेबिट साइड बड़ा हो। फॉर एग्जांपल मेरा 100 रुपीज़ यहाँ का टोटल आ रहा है और 80 रुपीज़ यहाँ का टोटल आ रहा है, ठीक है। तो मेरा कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, मतलब मेरे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो यहाँ पे मेरा आता है ग्रॉस लॉस। तो हम लोग उल्टे साइड पर उतारते हैं, है ना। यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, यहाँ से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आया है, तो उसको मैं उतारूंगी ऑपोजिट साइड पे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे मेरा ग्रॉस लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं उतारूंगी इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। ये हो गया। उसके बाद जितने भी मेरे इनडायरेक्ट इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स होंगे, हम लोगों ने अभी लास्ट उसमें डिस्कस किया था, लास्ट पोर्शन में,
कि कौन कौन से होते हैं मेरे इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस, कमीशन होता है, डिस्काउंट होता है, सैलरीज होता है, टेलीफोन बिल हो गया, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, सारी चीज़ें पुट करने के बाद दोनों साइड को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कमी किस साइड है। यहाँ पर भी सेम फिनोमेना, जैसे अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, क्रेडिट साइड होता है इनकम साइड, डेबिट साइड होता है एक्सपेंसेस वाला साइड, तो अगर मेरी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो मेरा आएगा प्रॉफिट। लेकिन क्या करेंगे अब हम लोग, जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया था, वैसे ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नाम देते हैं। और अगर मेरा इनकम साइड छोटा है और एक्सपेंसेस साइड बड़ा है तो मेरा बैलेंस आएगा इस साइड पे, जिसको मैं बोलूँगी नेट लॉस। ये हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पर दोनों को बराबर कर दिया, जहाँ पर कमी थी वहाँ उतना अमाउंट लिख दिया, बैलेंस कर दिया। चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000 रुपये आपको ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखेंगे। लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट अमाउंट, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आया है ये मैं यहाँ पे जो कैपिटल लिखूंगी ना लायबिलिटी साइड पे, तो वहाँ उसमें मैं उसको ऐड करूंगी। अगर मेरा लॉस आया होता तो मैं कैपिटल में से उस चीज़ को माइनस करती, और ड्रॉइंग्स तो माइनस होती ही हैं। फाइनल अमाउंट कैपिटल का बाहर लिखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन में आपको एसेट लायबिलिटीज़ दी होंगी वहाँ पे पुट करनी। लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपकी बिल्स पेबल आ जाएंगे, क्रेडिट आ जाएंगे, लोन आ जाएगा, ये सारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ये सारी लायबिलिटीज हो जाएंगी। एसेट में क्या क्या आ जाएगा, लैंड, बिल्डिंग, डेटर, फर्नीचर, फिक्स्चर, कोई और आपके पास अगर एसेट प्रॉपर्टी है कोई सी आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एसेट में आ जाएंगी। एंड में आपको पता कैसे चलेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, आपका ये बैलेंस शीट बैलेंस होनी चाहिए, तभी इसका नाम बैलेंस शीट है, बिकॉज इसका टोटल जो है हमेशा सेम आएगा। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट सही है, अगर आपका नेट प्रॉफिट सही है, तो आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो यू हैव टू, सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है मतलब तो फिर आप वो सही कर लेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, मतलब आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आपके नेट प्रॉफिट पर उसका असर आएगा। नेट प्रॉफिट बिगड़ा तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपस में पूरा रिलेटेड होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आता है और स्कोरिंग होता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका 100% सही होगा और बैलेंस शीट आपकी टैली ज़रूर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का टॉपिक 2। ओके, टॉपिक 2 हमारा है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, खरीदने के बाद अगर आप उसको फिर से सेल करने जाओगे, है ना, ब्रांड न्यू हो तो भी आपको 100% उतना ही प्राइस नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप शोरूम से एक फ़ोन लेकर निकलिए, पेमेंट वगैरह करने के बाद आप वापस यू टर्न मार के उस शोरूम पर जाएंगे तो आपको कभी भी वो इंसान उतने अमाउंट का नहीं आपको मतलब पूरा रिटर्न कर देगा वो अमाउंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी एसेट जब रिड्यूस होता है उसकी वैल्यू, है ना, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो जब भी किसी फिक्स्ड एसेट के अमाउंट में, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में रिडक्शन आ जाता है, लाइक आप उसकी वैल्यू जब इवैल्यूएट करोगे तो जितने में आपने खरीदा था उसकी वैल्यू कभी भी उतनी मिलती नहीं है आपको, ठीक है। तो इस गैप को, इस रिडक्शन को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब ये फॉल क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है, सबसे पहले तो वेयर एंड टेयर, सामान यूज़ कर करके उसमें स्क्रैच आ सकता है, टूट सकता है थोड़ा कहीं से वो, तो पुराना हो सकता है, तो ये एक रीज़न हो गया जनरल वेयर एंड टेयर। नेक्स्ट रीज़न हो गया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हो सकता है मोबाइल फ़ोन्स में या किसी गैजेट में, कैमराज में, इन सारी चीज़ों में ऐसा ही माना जाता है कि जो चीज़ें जो है वो उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलती हैं, अपग्रेडेड वर्जन में चलती हैं, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जब होता जाता है तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। ब्रांड न्यू फ़ोन भी अगर होगा ना तो उसकी शोरूम में रखे रखे वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि मार्केट में दूसरा वेरिएंट आ जाता है, तो इसलिए इसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण भी एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। नेक्स्ट है एफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया उस चीज़ कि अब इतनी ज़्यादा यूजेज नहीं है, उस चीज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो एक तो टाइम के हिसाब से कि बहुत पुराना हो गया, है ना, और नेक्स्ट है यूजेज, कंटिन्यूसली अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे तो उसकी यूजेज के हिसाब से भी उसका जो है फ्रेशनेस चली जाती है ना, उसकी न्यूनेस चली जाती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण अपन लोग किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस के पास भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं। हम लोगों ने अभी फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट मैंने आपको एसेट में बताया था कौन कौन सी चीज़ें आती है, लैंड, बिल्डिंग,
फर्नीचर हो गया है ना, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर, फिक्स्चर, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे आपके एसेट होते हैं। तो जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो आपका लैंड और बिल्डिंग है ठीक है, वो हमेशा डेप्रिशिएट नहीं होते, वो उसमें चांसेस होते हैं कि वो एप्रिशिएट भी हो सकता है। एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ गई होगी। आपने अगर लैंड खरीदा हो, बिल्डिंग खरीदी हो 10-20 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो अपन उसको बोलेंगे कि तो फिक्स्ड एसेट है, लेकिन डेप्रिशिएट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं फिक्स्ड एसेट में भी जो डेप्रिशिएट होने की जगह एप्रिशिएट होते हैं। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स। तो अकाउंट्स ने आपको 21 मेथड सजेस्ट किए हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ दो ही मेथड्स जिसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, तो उन मेथड्स के ये सारे नाम सिनोनिम्स हैं। ओके, सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसका थर्ड नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा आपका है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग डाउन मेथड या रिटर्न डाउन मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये आपको मैंने सिनोनिम्स बता दिए, आपको मेन ये दो को पूरा प्रॉपरली सीखना है कि कैसे हम लोग किसी भी एसेट को इन मेथड्स के थ्रू डेप्रिशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग को डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करनी कैसे है। मेथड्स तो हम लोगों ने सीख लिया, अब इनका मीनिंग क्या होता है एक एक करके सीखेंगे। पहला मेथड हमारा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, आपने जिस कॉस्ट पे मशीन खरीदी होती है ना, हर साल हम लोग उसी कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, तो हर साल हम लोग 10% अगर हम लोगों ने फिक्स करा है कंपनी ने, तो हर साल वो 10% 1 लाख पर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब हर साल आपका डेप्रिसिएशन 10,000 ही होने वाला है। वहीं बात करते हैं हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप क्या करते हैं, जो आपका बैलेंस बच जाता है आप उस पर परसेंट लगाते जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, तो फर्स्ट ईयर में तो उसी पर लगेगा 10,000 रुपए, आपका बैलेंस बचा 90,000, तो अगली बार 90,000 का 10% लगेगा, ना कि 1 लाख रुपए का। तो इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, उसको रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोलते हैं, क्योंकि जो बैलेंस बचता है उसका 10-10% आप लोग आगे लगाते जाते हो डेप्रिसिएशन। यही हम लोग अब एक एग्जांपल प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सीखते हैं। आपको का क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी एक बिजनेस ने 1 अप्रैल 2019 में एक बिल्डिंग खरीदी है 1 लाख रुपीस की, और फिर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज उनका फिक्स्ड है 10% पर एनम। हम लोग पहले सेम क्वेश्चन को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से करेंगे, और सेम ही केस लेकर हम लोग रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मशीन खरीदेंगे, ये एसेट अकाउंट बनाया है मैंने, एसेट अकाउंट लेजर का पार्ट है। एसेट अकाउंट क्या है अपन लोगों का, मतलब एक एसेट से रिलेटेड अकाउंट है, तो एसेट में प्लस साइड होता है अपन का डेबिट साइड, और माइनस साइड होता है हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जब भी हम लोग मशीन खरीदेंगे या किसी भी रीजन से एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो वील राइट इट ऑन डेबिट साइड, और अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी बाय एनी वे, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो हम लोग उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने मशीन खरीदी, मशीन खरीदते हैं तो मशीन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम लोग उसको करेंगे डेबिट टू बैंक करके 1 लाख रुपए, ठीक है। अब जो डेप्रिसिएशन है वो साल के एंड में लगता है, 1 अप्रैल से महीना साल अगर स्टार्ट हो रहा है, तो ख़त्म कब होगा, वो 31 मार्च, तो पूरा 1 साल जो मैंने मशीन यूज़ करी है, मैं उस पर 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, तो 1 लाख पर 10% डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, तो वो मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे अपन लोग लेजर में बैलेंसिंग करते हैं, ईयर कंप्लीट हो गया, इधर है 1 लाख रुपये, इधर है 10,000 रुपये, कमी किस साइड है, इस साइड है, जिस साइड कमी होती है उस साइड लिखते हैं बाय बैलेंस CD 90,000, 90,000 की कमी है, अब दोनों साइड 1 लाख 1 लाख हो गया, तो ये मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, ये मेरे पास बैलेंस आया 90,000 का, इस बैलेंस को मैं उतारूंगी अगले साल यहाँ पे, 1 अप्रैल 2020 में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है इस मशीन का, 90,000, मतलब अगर मैं देखूँ 2019 में इसका वैल्यू जो है मशीन की वो थी 1 लाख रुपए, अब इसकी वैल्यू है 90,000, तो ये क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगा इस पे 10% का, जो कि मैंने यहाँ शो करा है, तो 90,000 इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब ये 1 अप्रैल 2020 चल रहा है, अब जब हम लोग 31 मार्च 2021 तक पहुंचेंगे, तो 1 साल और मशीन को यूज़ कर लिया, तो 1 साल और डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हमेशा किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इस 1 लाख रुपए पे जितने में मैंने मशीन को खरीदा था, तो फिर से 1 लाख रुपए का 10% क्या होगा, सेम 10,000, फिर से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बैलेंस करेंगे, तो जब 1 अप्रैल 2021 में आप देखिए मशीन की वैल्यू कितनी बच रही है इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से,
80,000, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 में इस मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 80,000, क्योंकि इस पर 2 साल में 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर तो सेम ही रहेगा, मशीन 1 लाख में खरीदी, 1 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू आई 90,000। इस 90,000 को मैंने यहाँ पे उतारा बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और उसके बाद फिर अब जब 2021 मार्च पर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो मैं 1 लाख रुपए का 10% नहीं कर लगाऊंगी, मैं किस पे लगाऊंगी, 90,000 पर 10% का लगाऊंगी। 90,000 का 10% इज 9,000, मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 9,000, वैल्यू कितनी बची, 81,000। इस बैलेंस सी डी को मैंने यहाँ पे बैलेंस बी डी करके 81,000 शो कर लिया। देखिए आप लोग डिफरेंस, यहाँ पर 80,000 का बच रहा है, यहाँ पर 81,000 का बचा। तो यही है हम लोग के दो मेथड जिससे हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना है।